हेलो एवरीवन माय नेम इज स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम द वन एंड ओनली मैग्नेट मैगनेट नाउ बिफोर वी स्टार्ट टूडे सेशन देयर इज समथिंग दैट वी शुड डिस्कस थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन कर लेते हैं कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई एक परफेक्ट चीज जिसमें कोई खराबी नहीं है किसी ने आके उसे खराब कर दिया और आप कुछ कर भी नहीं पाए हुआ है ऐसा कभी कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना मशीन्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है बहुत क्यूरियस माइंड होता है उनका और जैसे कि बचपन में मैं थी तो मेरे साथ अगर कोई भी मेरे पास मशीन आती थी मैं उसको पहले पूरा खोल देती थी कभी कभी वो वापस बंद होती थी उसको मैं असेंबल कर पाती थी और कभी कभी नहीं कर पाती थी पर डांट बहुत खाती थी सो so, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऐसा ही कुछ हुआ है विच मीन्स द चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर गोइंग टू लव इट

क्या वो लोग फाइनली पे पे जा जा पाए पाए? या नहीं क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी ना ऐसा कुछ तो हुआ ही है जहां पे आपकी अच्छी खासी चीज को किसी ने खराब कर दिया सो लेट्स बिगिन नाउ द चैप्टर इज बाइसिकल राइड इन गुड रिपेयर एंड इट इज रिटर्न बाई Okay?

टू मेक नेसेसरी रिपेयर सो इफ देर इज समथिंग टू बी रिपेयर उसको प्रॉपरली चेक करा लेना चाहिए बट वॉट हैपन्स इफ द मशीन हैज द विल ऑफ इट्स ओन सो वॉट विल हैपन अगर मशीन जो है वो खुद से कुछ करने लग जाए एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग और अगर मैकेनिक जो है उसको कुछ समझ में ही नहीं आए कि भाई हो क्या रहा है सो द इज नथिंग मैजिकल वो ह्योर बट द स्टोरी इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग So let's quickly start with it. Aman, I knew, proposed one evening we should go for a man. This is not Aman actually. It is a man. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. So there was this man. So hamari two characters and there is a man and there is a narrator, a writer, the writer of the. Um, story so this particular man he suggested he proposed means usne offer suggest that let's go for a bicycle ride and the writer of the story he agreed he said wonderful let's go for it following day means the next day so if we talk about following day would be tomorrow i got up early for me i made an effort and was pleased with myself now इस लाइन से क्या पता चलता है कि जो हमारे राइटर्स हैं उनको सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं है बट कभी कभी होता है हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और उसके लिए हम जल्दी भी उठ जाते हैं यू मस्ट हैव डन दैट है पापा जब उठाते हैं तब हम नहीं उठते लेकिन अगर हमारी फ्रेंड्स के साथ कोई प्लान होता है तो तो फोर ओ क्लॉक उठा लो फाइव ओ क्लॉक उठा लो कहीं ना कहीं से हम उठ ही जाते हैं सो आ राइटर वॉज वेरी प्लीज कि वाई मैं सुबह उठ गया एंड बिकॉज ही मेड एन एफर्ट so he came half an hour late to abu Bandeka the man he came half an hour late i was waiting for him in the garden and our writer was what was he doing he was waiting in the garden it was a lovely day fortunately it was a beautiful day it was not too sunny and he was just enjoying in the garden waiting to start his bicycle ride that's a good-looking machine of yours he said how does it run so finally the man came and man said wow your machine so in the entire story he has called his cycle a machine okay so he said oh that's a good-looking machine मशीन्स के बारे में बहुत आइडिया होता है जिनको जैसे साइकिल है तो उसके बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया इफ दे यूशली कॉल इट लाइक दे वे इट विल कॉल इट अ मशीन सो ही ऑफ योर्स इट डेफिनेटली लुक्स गुड हाउ डज इट रन सो वॉट डिड अ राइटर से हाउ डज इट रन मीन्स कैसी चलती है ये ओ लाइक द मोस्ट ऑफ दैम सो ही सेट जैसे कि सारी चलती हैं वैसे ही चलती हैं और क्या अलग से थोड़ी ना चलती है सो इजिली इनाफ इन द मॉर्निंग गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच सो उसने क्या कहा अरे वैसे तो मतलब मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी चलती है लंच के बाद थोड़ी सी स्टिफली स्टिफली का मतलब क्या होता है थोड़ी सी टाइट हो जाती है थोड़ी सी मतलब बोल हो जाती है ना चल चल के सो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी कॉमिकल क्यों क्योंकि साइकिल तो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी बट ही से ऐसा था हाउ डज इट रन सो ही एडेड अबिट सुबह तो मस्त चलती है एकदम स्मूथ लेकिन थोड़ा आफ्टरनून के बाद ना पोस्ट लंच थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है रिजिड हो जाती है ही कॉट होल्ड ऑफ इट wheel द फ्रंट व्हील एंड shook इट वायलेंटली सो द मैन जिसके साथ ये बाइसिकल राइट पूरी प्लान हुई थी उसने क्या किया ही कॉट होल्ड ऑफ द फ्रंट व्हील तो जो फ्रंट व्हील था उसने उसको इस तरीके से पकड़ा एंड शुक इट वायलेंटली और उसने उसको बुरी तरीके से हिला दिया चेक करने के लिए कि सब ठीक है या नहीं है आई सेट डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट नाउ देर आर सर्टन थिंग्स जिससे हम बहुत अटैच्ड होते हैं जैसे हमारी साइकिल हुई या जैसे हमारा लैपटॉप हुआ या हमारा मोबाइल हुआ, हुआ या हमारा कोई सिस्टम हुआ या हमारा कोई पर्टिकुलर गेम हुआ हमें ऐसा लगता है कि यू नो इट्स जस्ट लाइक मे बी वी हैव अ डॉग तो हम उसकी कितनी अच्छे से केयर करेंगे समथिंग लिविंग सो so, जो हमारे राइटर थे उन्हें बड़ा बुरा लग गया कि अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो एंड वाई आर यू डूइंग दैट यू विल हर्ट माई साइकिल आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट हैड नॉट डन टू हिम तो राइटर बोल रहे हैं या वो सिर्फ नारेट कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया उसने इस तरीके से मेरी साइकिल को शेक क्यों किया उसने तो कुछ किया ही नहीं था उनके साथ बिसाइड्स इफ इट वॉन्ट शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट सो नाउ हेयर इट्स टॉकिंग अबाउट पॉजिटिवनेस राइट कि मेरी चीज है अगर इसको शेक करने की जरूरत भी थी तो मैं शेक करूंगा ना हु इज ही टू डू इट मेरी साइकिल है मुझे करना चाहिए आई फील मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टड वीकिंग वैकिंग माई डॉग So, उसको कैसा लगा आई फेल्ट मच मुझे कैसा लगा वैसा ही लगा जैसे कि अगर आई अ पपी जिससे मैं बहुत अटैच हूँ मेरे पास डॉग है और उसको अगर आके कोई वैक करे वैक कर मतलब होता है बीट या स्ट्राइक मतलब उसको कोई मारे या उसको कोई हिला दे बहुत बुरी तरीके से तो कैसा लगेगा सो so, हमारे राइटर को एग्जैक्टली exactly वैसा ही लगा ही सेड दिस फ्रंट व्हील वो नाउ फाइनली आफ्टर डूइंग दैट शेकिंग एंड एवरी

That you uh, you know your front wheel wobbles, so it is not safe for फ्रंट व्हील इट इज नॉट सेफ फॉर यू टू राइड इट it. it, it. से बोला जिस तरीके से तुम कर रहे हो तो not wobble it. अच्छी खासी एक साइकिल रखी हुई थी भगवान जाने उसको क्या दिखा उसमें और वो बोल रहा है कि नहीं नहीं आपकी साइकिल तो वॉबल कर रही है आगे का व्हील वॉबल कर रहा है वो बोल रहा है भाई नहीं कर रहा है से आप हिला रहे हो उस हिसाब से तो कुछ भी वॉबल कर जाएगा He said, "This is dangerous. Have you got a hammer?" Now, बहुत ही professional इंसान की तरह उसने क्या कहा? This is dangerous. You know, you, we cannot go out for a ride like this. क्या तुम्हारे पास एक hammer है? क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ा है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. Now, ought जो है ये एक modal verb है. जिसको हम कब यूज़ करते हैं जब मोरली हमें कुछ करना चाहिए जैसे कि आई ऑट टू टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स आई ऑट टू फॉलो द रूल्स ऑफ बाई द सोसाइटी सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे डेफिनेटली इसके अगेंस्ट कुछ कहना चाहिए था उसने जब मुझसे बोला कि जाओ जाओ हैमर लेके आओ मुझे मना करना चाहिए था कि लिसन माई साइकिल इज ऑल ओके यू डोंट हैव टू डू है राइट पर चलना है तो चलो वरना रहने दो सो आई ऑट टू हैव बिन फर्म मुझे रिजेड होना चाहिए था बट आई थॉट दैट पर रियली डिड नो सम बट मुझे लगा हो सकता है लिटरली उसको कुछ पता हो परली नो अबाउट द बिजनेस मतलब यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं सो बिजनेस का मतलब है साइकिल के नॉलेज के ऊपर कि उसको हो सकता है साइकिल से साइकिल के बारे में काफी अच्छा नॉलेज हो आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड सो यू रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द शेड कि शेड क्या होते हैं सो वी हैव अ टूल शेड हियर सो ही वेंट टू हिज टूल शेड जहां पे उसके सारे टूल्स रखे हुए थे आई केम बैक ही सिटिंग ऑन द द ग्राउंड विद फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स सो जब वो वापस आया जो फ्रंट व्हील था वो ऑलरेडी उसके लेग्स के बीच में था ही वॉज प्लेइंग विद इट ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स

मतलब वो ऑलरेडी जो है वो साइकिल का जो टायर था द इंटायल वो निकाल चुका था उसको बाकी की जो साइकिल थी रेमिनेंट मतलब बचा हुआ पार्ट सो रेमिनेंट जो था साइकिल का वो बेचारा पड़ा हुआ था ऑन द ग्रेविल पाथ ग्रेविल पाथ का मतलब होता है जो उसका जो मे बी जो एरिया था जो आंगन था उसमें बहुत सारी स्टोन्स और पेबल्स थे थोड़ा सा रफ था वो तो वो जो रफ पाथ था उसके ऊपर उसकी साइकिल पड़ी हुई थी जैसे कि उसके साथ कुछ गलत हो गया हो और उसका जो व्हील था उस वो उस बंदा जो था वो उसके साथ खेल रहा था ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग्स वर ऑल रॉन्ग पूरा निकालने के बाद उसने बोला मुझे ऐसा लगा इस साइकिल को देख के, कि इसके जो पूरे स्ट्रक्चर है था, वो सब था, मैंने आप क्या करते मुझे जरूर बताना आई सेड डोंट यू ट्रेवल अबाउट इट एनी मोर यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड अब मुझे लगा मेरी साइकिल का पहला व्हील तो निकल चुका इससे पहले कि वो कुछ और करे

बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द्थ समो लिटल बॉल्स अब मैं इससे पहले की उसे कुछ कह पाता इससे पहले की मैं उसे बोल पाता नहीं भाई रहने दो तो, नहीं और इट्स ओके तब तक तो उसने कुछ कहीं तो कुछ खोला एंड सडनली बाहर जो थे छोटे छोटे बहुत सारी बॉल्स बाहर आ गई सो छजे होते हैं छोटे छोटे सो वो उस तरीके के बाहर आ गए सारे

We grovelled round for half an hour and found 16. We grovelled. Grovelled का मतलब क्या होता है? Crawl underground. तो जैसे अगर आपके पास छोटी-छोटी चीजें हैं, तो आप पूरे जमीन पे लोट लगा लगा के जो है सारा अपने छते ढूंढ रहे हो. And finally they found how many? 16. He said he hoped we had got them all because if not, it would make a serious difference to the machine. उसने क्या कहा कि आई जस्ट विश कि हमको सारे के सारे जो टाइनी बॉल्स हैं बेरिंग्स हैं वो मिल चुकी हैं क्योंकि अगर हमें वो नहीं मिला तो मशीन जो हमारी साइकिल है वो डेफिनेटली उसमें एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा विच मीन्स जैसे वो पहले चल रही थी वैसे अब वो नहीं चलेगी सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सो ही अगेन एंड अगेन स्टेटेड दिस थिंग दैट अंडरस्टैंड दिस बेरिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आई पुट देम टू सेफ्टी इन माई हार्ट

क्विक कॉम्प्रिहेंशन चेक अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन हैं गॉट अप ओली फॉर मी इससे क्या पता चलता है इससे ये पता चलता है ही वॉज अ लेट राइजर अर्ली राइजर मीन्स जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं लेट राइजर मीन्स जिन्हें सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है आपको पसंद है मै आम एन अर्ली राइजर बट जब मैं आपकी एज की थी तो आई वॉज डेफिनेटली नॉट एन अर्ली राइजर he got up late that morning. So three meanings दिए हैं कि वो क्या सुबह जल्दी उठता था वो late उठता था या उस दिन जो था वो बहुत late हो गया था So हमारा meaning क्या है The it implies that he was a late riser. वो late उठता था रोज और उस दिन he was very happy क्योंकि वो जल्दी उठा था Simple. Let's move ahead. Second question is, this bicycle goes easily enough in the morning एंड लिटिली आफ्टर लंच कहा था तो मेरी सुबह सुबह तो एकदम स्मूद और प्रॉपरली चलती है एंड आफ्टर लंचि रिमार्क उसने दिया था क्या ये रिमार्क मीनिंगस uh, था क्या ये रिमार्क एंजॉयबल था सात था? जब हम किसी को ताना मार रहे होते हैं डबल मीनिंग बातें कर रहे होते हैं इन्यूरेट मतलब बिल्कुल

फाइंड टू और थ्री express the author's disapproval ऑफ इट अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है हमें पता है कि उसके उसके जो फ्रेंड था जब उसने साइकिल को पूरा वॉबल कर दिया था उसके फ्रंट व्हील को तो हमारे राइटर को बहुत दुख हुआ था उसको लगा इसे उसकी किसी बहुत ही पर्सनल चीज को वो बहुत पॉजिटिव था अपनी साइकिल के लिए अब देर आर अ लॉर्ड ऑफ सेंटेंसेस अराउंड थ्री और फोर सेंटेंसेस इन द चैप्टर जो ये चीज़ बताते हैं we only have to find those lines from the chapter and state them here let's see what are the lines the first line was i said don't do that you will hurt it second line was i did not see why he should shake it it had not done anything to him besides if it wanted shaking i was the proper person to shake it और अगर शेक करना ही था तो मैं था ना मेरी साइकिल है आई हैव डन दिस आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग मुझे एग्जैक्टली वैसा ही लगा कि अगर वो मेरे पपी को मेरे पेट एनिमल को अगर वो वैक करता तो कैसा लगता मुझे सेम फीलिंग हुई थी सो दीज आर देंटेंसेस दैट शो दैट पर्सन वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद द अदर मैन डूइंग ऑल दोज थिंग्स विद द साइकिल Let's look at question number 4. If not, it would make a serious difference to the machine. What does it refer to? It would make a serious dif uh, difference. ये लाइन उसने कब कही थी जब पूरे जो बॉल बेयरिंग्स थे जो साइकिल के जो पूरे बेयरिंग्स थे जब वो पूरे गिर गए थे तब उसने क्या बोला कम ऑन कम ऑन कैश देम अगर हमें ये सारे नहीं मिलते हैं सो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द साइकिल हमारी साइकिल उतनी स्मूथली रन नहीं करेगी जितना वो पहले रन कर रही थी सो द आंसर सेज इट रिफर्स टू द लिटिल बॉल बेयरिंग ऑफ द व्हील दैट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सो ये इट मतलब होता है जो हम बॉल बेयरिंग्स की बात कर रहे थे राइट सो हियर वी आर विद द विदम्प्रिहेंशन चेक आई एम श्योर राइट नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द सेकेंड पार्ट आगे देखते हैं क्या हुआ ही देन सेड दैट वाइल ही वाज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी सो उसने कहा ठीक है जब तक हम ये सब कलेक्ट कर रहे मैं एक बार तुम्हारी साइकिल की चेन भी चेक कर लेता हूँ क्यों करना था उसको वो तो भगवान ही जाने एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर गस अब जो गियर केस था मतलब साइकिल का जो गियर केस होता है उसने उसको खोल दिया अब हर मशीन में देर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट और अगर उस पार्ट के साथ कुछ भी हो जाए जो सबसे महंगा आता है उसमें द इंटायर मशीन लाइक इट डिपेंड्स ऑन इट सो यहाँ क्या दिखा है आई डिट ट्राई टू डिसम उसने कोशिश करी उसको डिस्ट्रीव करने की मतलब सम वन नॉट टू डू सम मतलब मैंने कोशिश की उसको कर, कहने के लिए कि भाई मत कर डोंट ओपन इट वाई आई टोल्ड हिम वॉट एन एक्सपीरियंसड फ्रेंड ऑफ माइंड वन सेड सो ये जो हमारा राइटर है उसका कोई एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड था उसने एक बार कहा था क्या कहा था एंड टू मी सोलेमली सोलेमली मतलब बहुत ही सिंसियरिटी के साथ मतलब बहुत ही सीरियसली उसने मुझसे एक बात कही थी क्या बात कही थी इफ एनी थिंग गोज रोंग विथ योर गियर केस सेल द मशीन एंड buy अ न्यू वन इट कम्स cheaper. मतलब अगर तुम्हारी साइकिल के गियर बॉक्स के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट रिपेयर सेल द साइकिल बिकॉज गियर बॉक्स बहुत महंगा आता है सो नाउ ही न्यू इट कि अब जब ये जो मैन था जब वो गियर बॉक्स पूरा खोल रहा था वो बोल रहा था कि चलो मैं तुम्हारा चेन भी चेक कर लेता हूँ उसको वो बात याद आई और उसने कहा यह चीज़ कि डोंट डू इट बिकॉज मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये बताया था कि बॉक्स रिपेयर करना बहुत महंगा पड़ता है पूरी साइकिल बदल दो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बट द मैन डिड नॉट लिसन टू हिम ही सेट वट डिड द मैन से पीपल टॉक लाइक दैट अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स अरे जिनको कुछ समझ में नहीं आता है ना वही लोग ऐसी बातें करते हैं जिनको कुछ आता नहीं है वही लोग ऐसी बातें करते हैं तो so, हमारे जो राइटर है एंड नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस उसने बोला गियर केस से ज़्यादा आसान निकालना तो कुछ होता ही नहीं है पूरी साइकिल में सबसे अगर आसान कुछ है तो है वो गियर केस निकालना और तुम्हारा जो फ्रेंड था उसको कुछ आता वाता नहीं था इसीलिए उसने ऐसा कहा था आई हैड टू कन्फिस ही वॉज राइट आई हैड टू कन्फिस ही वॉज़ राइट मतलब मुझे मानना ही पड़ा कि वो सही है क्योंकि जिस हिसाब से वो बात कर रहा था वो इतना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था जैसे कि वो एक प्रॉपर मैकेनिक है कन्फ्य so, का मतलब यहाँ पे क्या होता है मैंने अब बोला था तो it was a wrong thing that I had done. तो मुझे लगा, हाँ भाई, हो सकता है, इसको बड़ा ज्ञान हो नेक्स्ट इन लेस देन फाइव मिनट ही हैड द गियर केस इन टू पीसेस उसने जो था गियर केस निकाल दिया जो कि दो हिस्सों में बाहर आया लाइंग ऑन द पाथ एंड वॉ ज ग्लोबलिंग फॉर स्क्रूज अब जैसे उसने वो खोला तो उसमें स्क्रूज वगैरह बहुत सारे थे तो वो उसका नीचे ज़मीन पर जैसे ही गिरा तो उसके पास सारे जो स्क्रूज थे वो इधर उधर भाग गए सारे के सारे एंड ही सेट इट वॉज ऑलवेज अस्ट्री टू हेम द वेस्ट क्रूज डिसअपेयर और हमारा जो बंदा था जो मैकेनिक बंदा था उसने क्या कहा कि यार मुझे समझ नहीं आता ये हमेशा मेरे लिए एक मिस्ट्री रही है एक पहेली रही है कि ये जो स्क्रूज है इतनी जल्दी गायब कैसे हो जाते हैं ऑब्वियसली गायब होंगे ना अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं निकालेंगे आपको कोई आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में उस सब तब भी अगर आपने सारे स्क्रूज जो है वो ओपन कर दिए कहीं ना कहीं तो चले जाएंगे वो कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी बार बार कह रहा था भाई रोक ले उसे इससे पहले कि वो कुछ और जो है काम तुम्हारी मतलब पूरी जो साइकिल है उसको पूरा खराब कर दे और कुछ उसमें जो है मिसचीफ करे यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अटिक अब उसका जो दिमाग था वो उसे बार बार क्या कह रहा था वो तुम्हारी चीज है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, right तुम मतलब मतलब है बेवकूफ आदमी एक पागल आदमी एक मैड पर्सन है जो ही इज डूइंग समी अदर थिंग्स विद योर साइकिल तुम्हें उसे रोकने का पूरा राइट है रेवेजेस का मतलब होता है डैमेजेस ऑल द दैट This this? lunatic person is doing with your your cycle. You have to protect your property. And and who was saying this, His own conscious. Take him him by the the scruff of the neck and kick him out of the gate. अब उसका दिमाग क्या बोल रहा था जो उसको पीछे जो है गले से उसको ऐसे पकड़ो स्क्रफ का मतलब क्या होता है द बैक ऑफ अ पर्सन neck. उसको अपना जो जैसे अभी वो बैठा हुआ है वो सब खोल रहा है उसको पकड़ो और उसको धक्के मार के निकाल दो मतलब उसको जस्ट आस्क हिम टू गेट आउट ऑफ द गेट और ये सब दिमाग तो कह रहा था लेकिन बट आई एम वीक वेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स लेकिन मैं दूसरों को हर्ट नहीं कर पाता ऐसा बहुत बार आप लोगों के साथ भी होता होगा मेरे साथ भी डेफिनेटली होता है देर आर टाइम्स जब वी वुड वॉन्ट टू से नो लेकिन हम मना कर ही नहीं पाते वी आर नॉट एबल टू से नो इवन इफ वो चीज़ हमको हर्ट करे या वो चीज़ हमारे लिए रॉन्ग हो लेकिन हम मना नहीं कर पाते हम हर्ट नहीं कर पाते लोगों को सो so, हमारा जो राइटर है ही ऑल्सो वॉज अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन एंड ही वॉज नॉट एबल टू टेल हिम टू स्टॉप ही कुड सी कि वो कितना एक्साइटेड है साइकिल को रिपेयर करते टाइम एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्टॉप हिम आई एम वीक वेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मडल ऑन तो मैं नहीं कर पा रहा था और मैंने उसको जो वो कर रहा था वो करने दिया मडल ऑन का मतलब क्या होता है

उनमें एक एबिलिटी होती है उनमें एक जो है बहुत ही अच्छी पावर होती है कि जब आप उन्हें ढूंढना छोड़ देते हो ना तभी वो मिलते हैं एंड नाउ ही वुन उसने बोला अभी तो नहीं मिल रहे हैं। उनको वैसे ही रहने तो मिल ही जाएंगे देखना वो अपने आप मैं ना तुम्हारी चेन देख लेता हूँ नॉट मूव उसने उस चेन को साइकिल की चेन बहुत इजिली मूव करनी चाहिए उसने उसको इतना टाइट कर दिया कि साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी उसके बाद उसने उसे इतना लूज कर दिया कि जितनी नॉर्मली वो होनी चाहिए उसकी डबल लूज हो गई थी वो देन ही सेड वी है थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन उसने कहा यार ये चेन तो नहीं लग रही है थोड़ा एक काम करते हैं जो फ्रंट व्हील है ना हम उसको वापस लगाने की कोशिश करते हैं आई हेल्ड द फोक ओपन And He worried with the wheel. Fork मतलब क्या होता है It's an instrument. जैसे किसी चीज को निकालने के लिए So it is, it looks something like this. इस तरीके का एक instrument होता है जिससे आप कोई भी चीज open करते हो Now we are going to see if he is able to repair the cycle. But in our next video. तो so, सब तक के लिए stay tuned. Thank you.